सरकारी सहायता प्राप्त किए बगैर तहसील सदर में स्थित उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के नवनिर्मित भवन का सीआरओ सुशील कुमार गौड़ ने फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसके संबंध में सीआरओ सुशील कुमार गौड़ ने बताया कि सोमवार को लेखपाल संघ भवन का लोकार्पण किया गया तथा इसकी सालों से मांग हो रही थी, क्योंकि यहां पर लेखपालों की बैठने की व्यवस्था नहीं थी तथा खड़े होकर अपना काम करते थे। ऐसे ही जनपद के हर तहसीलों में राजस्व अधिकारियों की बैठने की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग को बनाने में किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं प्राप्त हुई है, इसको सभी लेखपालों ने अपने सहयोग से मिलकर बनवाया है। उन्होंने कहा किसी भी अधिकारियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो वह अधिकारी अच्छे से कार्य करेगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के अध्यक्ष राम मूर्त यादव, पूर्व सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित, सदर तहसील अध्यक्ष दिनेश कुमार पंकज, लेखपाल व कानूनगो तथा जनपद के समस्त तहसीलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के अध्यक्ष राम मूर्त यादव तथा सीआरओ सुशील कुमार गौड़ ने कहा, अद्भुत आई गई जब हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने इस शिलापट का लोकार्पण किया। अब मैं अपने कारगर तो आप ये समझिए कि सबसे पहले तो मैं आप सबके माध्यम से यहाँ के जिला इकाई को, जो उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पदाधिकारी हैं और जिला प्रशासन को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी सोच विकसित की। और सोच इसलिए कि जब भी हम कोई काम करते हैं, हमें संसाधन अगर नहीं मिलता हमारे पास, तो वो अंततः हमारा काम प्रभावित होता, हमारी योग्यता का समझिए कि एक तरह से दुरुपयोग होता है। तो यहाँ पे चूँकि समाज का काम करना है, पब्लिक का काम करना है, उसको अगर सामर्थ्य मिलेगी, संसाधन मिलेंगे, तो हम अच्छा बेहतर काम दे सकते हैं। और यहाँ ये जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ ये जो निर्माण भवन हुआ है, भवन का निर्माण हुआ, और मैं तारीफ करना चाहूँगा यहाँ के पदाधिकारियों का कि उन्होंने बिना किसी सरकारी वित्तीय सहयोग के इतने बड़े भवन का निर्माण कराया, आपसी सहयोग से और सामाजिक सहयोग से। तो ये निश्चित रूप से बहुत कारगर साबित होगा उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के इतिहास में। ये संभवतः बड़ा पहला कदम है जो इतना बड़ा भवन बनाया गया है अपने सहयोग से, और इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि लोग प्रेरणा लेंगे और अन्य जनपदों में इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे। बहुत हर्ष का विषय है कि तहसील सभागार में आज उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के भवन का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। ये बहुत समय से मांग थी, यहाँ पे हमारे लेखपाल लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी, ये खड़े होकर अपना काम करते थे, इधर उधर भटकना पड़ता था। ये हर तहसील की एक प्राथमिक आवश्यकता है कि हमारे जो राजस्व कर्मी हैं उनको बैठने की प्रॉपर व्यवस्था हो जाए। उसी के संदर्भ में आज ये सुअवसर प्राप्त हुआ है, और इस सुअवसर के लोकार्पण के अवसर पे मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से और इस भवन का जो उद्घाटन हुआ है, हमारे सभी लेखपाल संघ के पदाधिकारीगण, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के अध्यक्ष जी भी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सभी लेखपाल
संघ के पदाधिकारी जो भी इस बिल्डिंग को बनाने में सहयोग दिए हैं उन सभी को हृदय से आभार। और एक अच्छी बात ये बताना चाहूँगा कि इस भवन को बनाने में जो किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं प्राप्त की गई है, इसमें सभी लेखपाल भाइयों ने अपना स्वयं से सहयोग करते हुए इस खूबसूरत भवन में अपना सहयोग दिया। इसके लिए सभी को तहसील परिवार के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोग अपना बहुमूल्य समय देके इस कार्यक्रम के अवसर पे हमारे पत्रकार साथी उपस्थित हुए, इसको कवर किए, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। ये देखिए, किसी को भी अगर प्रॉपर व्यवस्था दी जाए तो निस्संदेह उसके कार्यप्रणाली में सुधार आता ही आता है। उसको मूलभूत सुविधाएं अगर हम देते हैं तो हमारे लेखपाल पूरे राजस्व की नींव हैं। कोई भी समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए हमारे राजस्व कर्मी ही उसमें जाते हैं। उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पे, उन्हीं के सहयोग के आधार पे किसी भी ज़मीन से संबंधित समस्या हो या किसी प्रकार की समस्या हो, इसमें कहीं ना कहीं राजस्व कर्मियों का योगदान होता है। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर इनकी जो आज जिस भवन में हम लोग खड़े हैं, ये काफ़ी समय से मांग थी और ये आज फलीभूत हुई, इसके लिए मैं सभी को हृदय से आभार देता हूँ।